हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज 9 तारीख है, 9 महीना 2023, और 2 बज के इस वक्त 41 मिनट होने हैं। और आज हमारा वीकली जो एनालिसिस सेशन है वो इंशाल्लाह मुनक्किद होगा। अच्छा जी, कल मैंने ये एरिया मार्क किया था, ठीक है, और मैंने आपसे कल जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप जाके मेरा कल का एनालिसिस देखेंगे। यहाँ तक मार्केट आई थी, मैंने कल ही आपसे कहा था कि ये वाला जो एरिया है स्टिल वैलिड है, मार्केट इसको भी रिमूव करेगी। आप जाके कल देखें, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मार्केट ने इसको रिमूव किया और मार्केट नीचे की तरफ, ये देखें, मार्केट ने इस जगह को भी रिमूव कर दिया है, ठीक है, जो मैंने आपसे कहा था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आपने ट्रेड नहीं करनी जब तक ये ब्रेक नहीं है। अब ये लिक्विडेट हुआ है, इसको हम देखते हैं जरा। लेकिन पहले मैं जरा आपको कल के रिजल्ट दिखा दूं। ये जीबी यूएसडी है, ठीक है, मैंने आपसे कल कहा था। एक तो ये वाली हमारी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी गई, और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इसको अब लिक्विडेट करने आ रही है। मार्केट ने देखें ब्रेक कर दिया है इस जोन को, यहाँ पे भी किया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दी है। इसके मैं आपको बताता हूँ दोबारा। और यूरो यूएसडी मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन जो है मार्केट इसको लेने यहाँ पर आएगी। ये वाला एक तो लिक्विडेट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको करते हैं जरा एनालिसिस, ठीक है। तो ये दो जोन जो है मैं रहने देता हूँ, क्योंकि हमने 3 दिन से एनालिसिस कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैलिड है इस वक्त, ठीक है। जरा हम सेंटिमेंट देख लें, जरा हम न्यूज देख लें। सैटरडे, संडे, मंडे तक कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। तो न्यूज की तरफ से फंडामेंटली तो हम रिलैक्स हैं। बाकी जो क्लोजिंग हुई है सेंटिमेंट में, वो आप देख सकते हैं, मार्केट बहुत ज्यादा सेल के अंदर हुई है, और हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि मार्केट सेल के अंदर क्लोज हुई है। अब सेल के अंदर क्लोज हुई है, तो ये मैंने आपको एक दफा हैक बताया था इसका, एक आप समझ लें टिप मैंने आपको बताई थी कि जब भी सेंटिमेंट की क्लोजिंग होती है किसी भी सेंटिमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपको अगर सेंटिमेंट देखना नहीं आता तो मैंने सेंटिमेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे चैनल की SMC के अंदर जाएंगे, उसमें आपको मिल जाएगी, वरना सेंटिमेंट एनालिसिस बाय तारीम SMC लिखेंगे तो भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी जिनको आता है मैं उनको बता रहा हूँ कि जब भी सेंटिमेंट में जिस भी तरफ क्लोजिंग हुई, जैसे अभी ये सेल के अंदर क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या अज्यूम किया जाता है ज्यादातर, मैंने आपको प्रैक्टिकली ये करके भी दिखाया कि जिसमें क्लोजिंग होती है मार्केट उसी के अंदर ज्यादातर जो ऑर्डर है, आप ये देखें बाय के ऑर्डर हैं ज्यादातर, ठीक है। तो यानी मार्केट में ये सारे लिक्विडेट नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब क्लोजिंग मार्केट ने सेल के अंदर दी है, तो इसका मतलब सेल के अंदर होंगे ज्यादातर। अगर आपने देखा होगा या आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप शुरू शुरू में ट्रेडिंग करते होंगे, तो आप रहने देते होंगे यार प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, बगैर आपने ब्रेक इवन किए, या चले 50% हम मान लेते हैं कि लोगों ने ब्रेक इवन और हाफ ट्रेड क्लोज की है, लेकिन 50% लोग फिर भी अज्यूम हम करें तो वो नहीं करते हैं। वो ये करते हैं कि चलो ट्रेडिंग प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है, तो इसको चलने देते हैं। और पीर वाले दिन ऐसा होता है, मार्केट या तो ब्रेक से ओपन होती है या मार्केट उनकी तरफ अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है चीज है, ठीक है। तो अब हम इसमें यही अज्यूम करेंगे कि मार्केट मजीद सेल के अंदर है और मार्केट मजीद सेल में जाएगी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं रिमूव, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल हो चुका है, इसका काम हो चुका है। यहाँ पे मार्केट ने स्टिल काफी ज्यादा जो है वो लिक्विडेशन की है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये वाला एरिया हमारा स्टिल वैलिड है। 15 मिनट में हम जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ छोड़ा है, यहाँ पे मार्केट ने ये एरिया तो छोड़ा है, ठीक है, लेकिन ये जो एरिया का मूव है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर इसको अगर ब्रेक कर देता, या ये स्विंग लो को मार्केट ब्रेक कर देती तो एक अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, ये वाले एरियाज तो ऑलरेडी हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी इसको ले रहे हैं एज अ प्राइमरी जोन, और इसको ले रहे हैं हम एज अ सेकेंडरी जोन, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडेशन की है इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ पे तरीका क्या है, मैं आपको जरा समझा दूं कि अगर मार्केट ओपन होती है और डायरेक्ट मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो ये एरिया हमारा वैलिड हो जाएगा।
अगर मार्केट यहीं से ऐसे रहती है, इसको टच कर लेती है, अगर लिक्विडेट करके भी ऊपर क्लोजिंग कर दी तब भी हमारा एरिया वैलिडेट हो जाएगा, यानी जो BOS है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, वो मार्केट में होना लाजमी है। जब मार्केट ये कर लेगी तो ये एरिया हमारा वैलिड हो जाएगा, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि यह जो नीचे जो लिक्विडिटी है इतनी ज़्यादा, ये मार्केट जो है वो कैप्चर करे, ताकि हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन तरीके से हो सके, और मार्केट जब दोबारा आए इस जगह, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से हमें जो चांसेस हैं सेल के वो हमारे बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सेकेंडरी जोन कह रहा हूँ। अगर मार्केट एक अच्छा ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे देती है तो ये हमारा प्राइमरी जोन बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ऊपर वाला एरिया है इसको भी स्टिल हम रहने देंगे। GBP USD में चलते हैं। GBP USD हमारा अच्छा गया, इसको हम करते हैं रिमूव, इसको भी करते हैं रिमूव। ठीक है, 15 मिनट में यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस जगह पे पूरे लिक्विडेशन की, ये वाला है पूरा यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेशन किया हुआ। लेकिन यहाँ पे एक डाउटफुल चीज ये है कि मार्केट में जो इम्बेलेंस है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेक किया हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये चीज अच्छी है। लेकिन छोटा सा हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, इस पूरे एरिया को मार्क करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको देखें, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडेशन की हुई है, अगर इसको हाई कंसिडर करें आप तो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेशन की हुई है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप पहचान गए होंगे, अगर आपने AMD वाली स्ट्रेटजी मेरी देखी है, एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट, और सेंटिमेंट इसके भी सेम ही है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ पर आएगी। ठीक है, प्रॉपर मैं इसको मार्क कर देता हूँ जरा। ठीक है, और यहाँ लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, मार्केट इसको हिट करेगी नीचे की तरफ। H4 में जाते हैं, H4 में हमारे पास ये वाला एरिया रहता है, तो मार्केट इसको यकीनन अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो मार्केट इसकी तरफ आएगी, तो हमारे पास काफी रूम अवेलेबल है। कहने का मकसद ये है, अगर हमें यहाँ से एंट्री मिलती है, अगर नहीं मिलती तो ये वाला एरिया तो हमारा स्टिल वैलिड है ही, अगर यहाँ से हमें एंट्री मिल जाती है, ठीक है, तो हम आराम से आप इसको यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक इवन कर करके, हाफ क्लोजिंग कर करके, हाफ क्लोजिंग से मुराद ये है मार्केट ने, आपने यहाँ पर SL लगाया, ठीक है, और आपने यहाँ पर एंट्री लिया, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जब आपके फेवर में मार्केट चली गई, यहाँ तक मार्केट आ गया आपके फेवर में, यानी एक हाई, एक जो प्रीवियस लो है मार्केट ने ले लिया, तो आप ये जो SL है इसको उठा के यहाँ पे ब्रेक इवन कर देंगे। ठीक है, ये ब्रेक इवन कर दिया, अब मार्केट में, अब आप चाहें तो यहां तक ला सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी हाफ क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट एक और स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है तो आप इसको यहाँ पे उठा के और मजीद जा सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रेल कर करके मार्केट को यहाँ तक, टारगेट तक लेके आ सकते हैं। वो उस दौरान हो सकता है आपका जो ऐसे लेट भी हो जाए, लेकिन क्लोजिंग जो होगी आपकी प्रॉफिट के अंदर ही होगी, क्योंकि आपने अपनी जो एंट्री प्राइस है उससे नीचे आपका SL है, यानी क्लोज की हुई आपने प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, जब मैं कहता हूँ कि आपने क्लोजिंग करनी है, तो इस तरीके से क्लोजिंग करनी है। GBP USD हो गया, गोल्ड, गोल्ड की हमारी बड़ी अच्छी ट्रेड गई है। मैं जाती तौर पर नहीं ले सका, क्योंकि मैं कल एक इवेंट के अंदर गया हुआ था, और वहां से रात को 2-3 बज गए, तो मैं ट्रेडिंग तो जुम्मे वाले दिन मैं कर ही नहीं सका। हालांकि मैंने कहा था कि मैं आपसे इसको वॉच करूंगा, और कल मैंने आपको जो है तंबिया भी किया था, मतलब मैंने आपको इनकरेज भी किया था कि आप इस एरिया को वॉच करें। मैं तो खैर जुम्मे को ट्रेड करता भी नहीं, लेकिन मेरे को इसको करनी थी, लेकिन एक इवेंट आ गया था और रात के 2-3 वही बजे। तो अब यहाँ पर इसको हम रिमूव करते हैं, 15 मिनट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे पहले सेंटिमेंट इसके चेक कर लें। ठीक है, तो ये देखें सेल के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग, तो वही हम फॉर्मूला अपना इसमें अप्लाई करेंगे कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो सेल के अंदर ही हुई होगी। ठीक है,
एरिया यहाँ पर, लास्ट लिक्विडेशन पॉइंट, और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और यहाँ पर इसका जो टारगेट होगा, पहला तो ये होगा, हो सकता है मार्केट इसको फर्स्टली अटैक करे और फिर मार्केट, अच्छी बात है अगर इसको मार्केट ब्रेक करके आती है तो ये और हमारे लिए अच्छी बात हो जाएगी। तो फिर आपका जो भी प्रीवियस लो है, जो मैंने कल आपसे बात की थी, बाय के अंदर प्रीवियस हाई और सेल के अंदर प्रीवियस लो, जो भी होगा आपका वेरी रिसेंट प्रीवियस लो, तो उसके अंदर वो आपका टारगेट टीपी के लिए आपका वो पहला टारगेट होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये वाला एरिया देखें, ये वैसे तो लिक्विडेट है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ मार्क करके आपको दिखाऊं, मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया हो, लेकिन फिर भी चांसेस है कि मार्केट अगर ऊपर तक आती है तो इस एरिया को लिक्विडेट करके, यानी ऐसा लैंडिंग करके नीचे की तरफ क्लोज करे, तो आपने उसका भी वेट करना है जब मार्केट यहाँ पर टच करता है, ठीक है। अग्रेसिव ट्रेडर है, हाथ अच्छा है आपका इस तरह की ट्रेड के अंदर, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपका एसएल स्टिल ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये एरिया मैं आपको बता दूं, 1926.57, ठीक है। और यूएस ऑयल का हमने कल ही मार्क किया था, ये वाला एरिया स्टिल वैलिड है, कोई इसमें चेंजिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, कल एक भाई ने मुझसे पूछा था कि यूएस ऑयल का जो है वो सेंटिमेंट नहीं है, तो माय फॉरेक्स फंड में तो नहीं है इसका सेंटिमेंट, आने वाले वक्त में शायद आ जाए, लेकिन जो डेली एफएक्स है, ठीक है, ये dailyfx.com सेंटिमेंट, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है, आप ये रहा यूएस क्रूड ऑयल, ठीक है, पहले नहीं था, अब इन्होंने ऐड कर दिया है, तो आप यहाँ से यूएस क्रूड ऑयल का कर सकते हैं। मैं कल भूल गया था देखना, याद नहीं रहा मेरा, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट ऑफ पूरी तरीके से खुला नहीं है, तो ये यहाँ पर है, और भी एक दो और साइड है, लेकिन डेली एफएक्स ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये स्टिल वैलिड है, इसमें कोई खास नहीं है, 85.49, 84.94 तक ये जोन है, इसमें अभी तक मार्केट ने कुछ किया नहीं है, ये स्टिल वैलिड रहेगा, ठीक है। और अभी किसी ने मेरे रिक्वेस्ट की हुई थी कैट सीएचएफ की, अभी मेरे ख्याल कमेंट किया था कैट सीएचएफ, ये लास्ट टाइम हमने किया था, आपको याद होगा, ये हमारी तीन ट्रेड गई एक ही उसके ऊपर, ये H1 का जोन था ये वाला, ये ट्रेड भी गई, ये हमने, आपको याद होगा मैंने आपके साथ कम्युनिटी टैब में भी शेयर की थी, ये हमारी अच्छी ट्रेड गई थी, उसके बाद मार्केट ने इसी जोन को यहाँ से लिया, फिर इसी जोन से मार्केट नीचे आया, फिर इसी जोन से मार्केट नीचे की तरफ, तो ये हमारा ओवरऑल बड़ा अच्छा सेटअप था। इसको जरा मुझे वीकली से देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको किया नहीं ट्रेड। कमेंट वगैरह आप लोग आजकल कर नहीं रहे, बहुत कम कमेंट आ रहे हैं, कमेंट वगैरह आप जो करें मैं पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ कभी कभी, जो है मिस हो जाता है, वरना ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि रिप्लाई दूंगा, वीकली तो मैं देता हूँ, अभी मैं वीडियो जब एंड करूँगा तो जो जितने कमेंट हैं उनका मैं रिप्लाई जो है वो दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कैट सीएचएफ का मैं सेंटिमेंट भी बता दूँ आपको, अगर है इसके अंदर कैट सीएचएफ, हाँ आएगा, सेल के अंदर है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेल में, और हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, इसमें हम डायरेक्ट H1 में जाते हैं, अभी मार्केट में एक थोड़ी सी करेक्टिव मूव है, आप देख सकते हैं, ओवरऑल मार्केट जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया हुआ है, अभी मार्केट इनको हंट करती हुई चल रही है, ये जो एरिया, ये मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया, लेकिन अब मार्केट ब्रेक कर देगी, ये वाला एरिया, ये वाले एरिया, यहाँ तक मार्केट ब्रेक करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे जो सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है वो एक तो ये वाला एरिया है, ठीक है, लेकिन ये इतना खास नहीं है, मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ऊपर वाला एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको इससे मार्क कर देता हूँ, इसको मैं लाइन लगा के मार्क,
ठीक है, दो एरियाज है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी भी है, स्ट्रक्चर भी है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में भी हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊपर वाला एरिया ज्यादा अच्छा है, 0.5694, ये वाला एरिया आप मार्क कर लीजिएगा। हमारे पास एमपीएल जोन भी है इसके अंदर, ठीक है, और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। नीचे वाले में भी हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, ये वाला अगर आप मार्क कर रहे हैं, पिच भी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये देखिए प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो जोन की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, अदरवाइज एरिया सही है। ठीक है, तो आप दोनों मार्क कर लें, जहाँ पर आपको एंट्री मिलती है, कंफर्मेशन मिलती है, मतलब ये पैटर्न आपको मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि यहाँ तक का वेट करें, ऊपर वाले एरिया का। ठीक है, बाय यहाँ पर है, लेकिन मैं सेंटिमेंट अगेंस्ट जाना पड़ेगा और ट्रेंड के भी अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बाय यहाँ पर मार्क नहीं कर रहा। अदरवाइज 15 मिनट में आप छोटी मोटी बाय यहाँ पर ले सकते हैं, अवॉइड में मैं कहूँगा अवॉइड ही करें, कोई एरिया खास एरिया वैसे भी है नहीं। H1 में M15 में कोई एरिया नहीं है, ये एरिया आपको लग रहा है लेकिन ये एरिया अच्छा नहीं है। ठीक है, जोन की कंडीशन बहुत बेकार है। तो आज का हमारा ये एनालिसिस रहा, तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन, ठीक है, डेली एनालिसिस में। और मुझे कमेंट कर दें पैर के कौन कौन से आपने डेली एनालिसिस में देखना है, क्योंकि मैं ये वाले नहीं करूंगा, अगर कुछ खास मूवमेंट ना हुई तो मैं ये वाले नहीं करूंगा, मैं नए पैर करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर दें कि आप पीर वाले दिन कौन सा एनालिसिस देखना चाहते हैं, मैं वो कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।